उनके बारे में, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चार बार हम वर्ल्ड कप जीते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे सीनियर क्रिकेट में आके सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो उनको वो गियर डालने के लिए आप क्या करोगे? नहीं देखिए, पहली बात तो उनको ऑब्वियसली मुबारकबाद देना चाहूँगा. हमने पहले भी एक टीम मैसेज दिया बाहर, और दोबारा उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा. बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोबारा वर्ल्ड कप जीतना, चार बार हो चुका है अब तो. काफ़ी उनके लिए खुश होने वाली बात है और काफ़ी प्राउड मोमेंट है उनकी फैमिली के लिए भी और सब पूरी टीम वालों के लिए भी. और दूसरी बात, देखिए ट्रांजिशन ऑलरेडी दो तीन लड़के लाइमलाइट में आएंगे वर्ल्ड कप से, लेकिन ज़रूरी ये है कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है उसको निगलेक्ट ना किया जाए. और दूसरी बात कि हमेशा टेस्ट क्रिकेट खेलने की अगर इंटेंशन रहेगी तो बाकी फॉर्मेट्स अपने आप टेक केयर कर सकते हैं. कई लोगों की गेम होती है, कईयों की नहीं होती है, लेकिन अगर गेम चेंज करने जाएंगे तो फिर किसी फॉर्मेट में भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. तो मेरा माइंडसेट यही था जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप से आगे आया था कि पहले मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और परफॉर्म करना है, मैक्सिमम रन्स बनाने हैं, और इंडिया ए क्रिकेट में मुझे रन्स बनाने हैं. जो बाहर के टूर्स होते थे उस पर मुझे एक मार्क छोड़ना है ताकि यू नो, लोगों को लगे कि मैं अगले लेवल पे खेल सकता हूँ. तो आई थिंक वो बिलीफ ऑलरेडी दिखता है उन लड़कों में. तो एज लॉन्ग एज वो